बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बहार किचन। सबसे पहले आज़ादी की आपको 76 साल की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस आज़ादी पर मैं आज ट्राई कलर बर्फ़ी बना रही हूँ, वो भी सिर्फ तीन चीज़ों से और तीन अलग अलग टाइप से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उसी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए इसको अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले एक मोटे तले का पैन लेकर इसके अंदर 2 कप जितना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 1/2 कप जितनी शक्कर डाल रही हूँ और 1 कप दूध और 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। घी डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी गैस पे नहीं रखा है, पहले ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके लम्स हटा लेंगे, फिर इसको गैस पे रखेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर के सारे लम्स निकाल लिए हैं। अब पैन को गैस पे चढ़ा लेंगे। मैंने पैन को गैस पे रख दिया है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैस ऑन करके इसको लगातार चलाते हुए पका लेना है, इसका डो बनने तक। धीमी आंच में ही पकाना है, आंच को हाई फ्लेम में नहीं रखना है, नहीं तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा बैटर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, इसको लगातार चलाते हुए पका लेना है बिना हाथ छोड़े, और आंच को भी धीमी ही रखना है। 1 सेकेंड के लिए भी इसको हाथ नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे इसका डो बनने तक। देखिए अब हमारा बैटर डो की फॉर्म में आने लगा है, इसको और थोड़ी देर पका लेंगे इसके अंदर की नमी जाने तक। देखिए अब हमारा बर्फी का डो अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर का सारा मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका है और पैन भी छोड़ने लगा है, देखिए, और थोड़ा थोड़ा घी भी रिलीज करने लगा है। अब इसका मतलब हमारा बर्फी का डो पक चुका है। अब गैस ऑफ कर देंगे, गैस ऑफ करके पैन में ही 1 से 2 मिनट तक इसको ठंडा कर लेंगे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा हाथ छोड़ेंगे तो। अब बर्फी के डो को एक बड़े से चकले पर निकाल लेंगे, निकाल कर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा बर्फी का डो थोड़ा गर्म ही है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। देखिए अब हमारे बर्फी का डो थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको 3 हिस्से में कर लेंगे। एक हिस्से को थोड़ा बड़ा ही रखना है और 2 छोटे हिस्से बना रही हूँ। हाथ पे थोड़ा घी लगाकर इसको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके इसके पेड़े बना लेंगे इस तरीके के, इसको साइड में रखेंगे और इसी तरीके से इनको भी बना लेंगे। अब ये बड़े वाले हिस्से में मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप जितना, बस इतना ही। और हाथ पे थोड़ा घी लगाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने ये बड़े वाले पेड़े के अंदर वनीला एसेंस अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा वाला पेड़ा ले रही हूँ, इसके अंदर इलायची पिस्ता मिक्स डाल रही हूँ, ये भी 2 से 3 ड्रॉप जितना डालकर उंगलियों को थोड़ा ग्रीस करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हरा कलर भी आ जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा इससे। देखिए अब हमारा हरा वाला डो बाल भी बनकर तैयार हो चुका है, इसको भी साइड में रखेंगे। और ये तीसरा बॉल लेंगे, इसके अंदर बादाम मिक्स डाल रही हूँ, ये भी 2 से 3 ड्रॉप, और कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, 1/2 चुटकी जितनी, 1/2 से भी कम डालकर इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा ऑरेंज वाला भी बर्फी डो बनकर तैयार हो चुका है, इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब चकले को थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से।
अब ये सफेद वाला डो बाल लेकर इसके दो हिस्से कर लेंगे इस तरीके के। एक को उठाकर एक पॉलीथीन के अंदर डाल के रख देंगे, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और इसी तरीके से हरे वाले को भी दो हिस्से में कर लेंगे, इसको भी उठाकर पॉलीथीन के अंदर डाल कर रख देंगे। और इसी तरीके से ऑरेंज वाले को भी, अब इनको उठाकर साइड में रख देंगे, सफ़ेद वाले को साइड में रखकर। और इसके ऑरेंज वाले के छोटे छोटे इस तरीके के छोटे पेड़े बना लेंगे, गुलाब जामुन की साइज़ के जितने। और इसी तरीके से हरे वाले पेड़े को भी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इसके अंदर से। अब इन सबको साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज वाले को इस तरीके से रोल कर रही हूँ, बस इतना ही। इसी तरीके से हरे वाले को भी कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सभी पेड़ को बना लेंगे छोटे छोटे रोल में। ये देखिए, मैंने इतने पेड़ बना लिए हैं। अब सफेद वाला पेड़ा लेकर इसको इस तरीके से अच्छे से मसल के रोल कर लेंगे। अच्छे से चिकना करके रोल करने के बाद इसको इस तरीके से चपटा कर देंगे हाथ से ही। आप चाहे तो पॉलीथीन के ऊपर भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि हमारा डो बहुत चिकना है। अब इसके ऊपर एक हरा वाला रोल रख रही हूँ। और इसी तरीके से ऑरेंज वाला, देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में ही रखना है, बीच में गैप देना है। अब इसको उठाकर इस तरीके से रोल करेंगे, फिर रोल करके ये देखिए इसके अंदर भी और एक रोल करेंगे। दो रोल हो चुके हैं, अब इसको अच्छे से टाइटली रोल कर देंगे। अब इसके किनारे हटा देंगे इस तरीके से कट करके। अब इसको देखिए, रोल को थोड़ा लंबा कर लेती हूँ, इस तरीके से लगा देना है। थोड़ा इसको घुमाकर हरे वाले को भी लगा लेंगे थोड़ा लंबा करके। थोड़ा थोड़ा गैप में ही रखना है, ये देखिए इतना दूरी पे। और इसी तरीके से थोड़ी दूरी पर ऑरेंज वाला लगा रही हूँ। अच्छे से इसको प्रेस कर देना है, नहीं तो निकल जाएंगे। फिर इसको घुमाकर हरा वाला रख देंगे, इसको भी थोड़ा लंबा करके। रखने के बाद इन सबको अच्छे से प्रेस कर देंगे, प्रेस करके इसको अच्छे से रोल कर देंगे इस तरीके से। अब इन सबको हटाकर साइड में रख देंगे, इसको अच्छे से रोल कर देंगे। देखिए मैंने रोल को इतना मोटा रखा है, आप चाहे तो ये पतला या मोटा भी कर सकते हो, मुझे बस इतना ठीक लग रहा है, इतना कर देंगे। मैंने चाकू के ऊपर भी थोड़ा घी लगाकर ग्रीस कर दिया है। इस तरीके से कट कर देंगे, सबसे पहले किनारे को हटाएंगे। ये देखिए हमारे ट्राई कलर बर्फी रोल बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से सभी बर्फी को कट कर लेंगे। देखिए मैंने इतने ट्राई कलर बर्फी रोल बना लिए हैं, उसको उठाकर एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। अब बचे हुए डो से मैं दूसरे टाइप का रोल बनाना बताऊंगी आपको, इसको भी इस तरह से लंबा कर लेंगे।
और ये ऑरेंज वाला लेकर इसको भी थोड़ा पतला कर लेंगे, पतला करके इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये हरे वाले को भी थोड़ा इसको लंबा करके इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, अब तीनों को अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करके इसको अच्छे से रोल कर देंगे। रोल करके इसको इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे। देखिए, हमारा बड़ा सा ट्राई कलर रोल बन चुका है। इसको भी कट कर लेंगे, तीन हिस्सों में कट करेंगे। बस इतना ही। ये देखिए, हमारी दूसरे टाइप की बर्फी बन चुकी है, रोल बर्फी, ट्राई कलर रोल बर्फी। इसको भी हम सर्व कर लेंगे। देखिए, मैंने आधा डो बचा कर रख दिया था ना बर्फ़ी का, उसको अब हम निकाल कर इससे अलग टाइप की बर्फ़ी बनाएंगे। पॉलीथीन के अंदर रखने से डो हमारा सॉफ्ट रहता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसको थोड़ा हम चिकना करके रोल कर लेंगे। इसे हम खजूर की टाइप की बर्फ़ी बनाएंगे। देखिए, मैंने बचे हुए डो से इतने से इसके तीन छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब इसको थोड़ी देर साइड में रखेंगे। अब मैं यहाँ पे पॉलीथीन ले रही हूँ, इसको मैंने थोड़ा घी से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हरा वाला पेड़ा रख रही हूँ। रखकर इसको थोड़ा चपटा करेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर सफेद वाला पेड़ा रखेंगे। रखकर इसको भी थोड़ा चपटा करेंगे। अब इसके ऊपर ऑरेंज वाला पेड़ा रख रही हूँ, इसको भी थोड़ा चपटा करके रखेंगे। रखकर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अब एक बेलन को मैंने थोड़ा घी लगा लिया है, इसके ऊपर हल्के हाथ से बेल लेंगे इस तरीके से। देखिए, मैंने इसको इतना मोटा रखा है। अब इसको हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे इसके खजूर टाइप में कट कर लेंगे। बहुत बड़े नहीं करना है, छोटे ही रखना है। जैसे शक्कर परे करते हैं ना, उसी टाइप से। अब इनको किनारों को हटा देंगे। अब इसको हम क्रॉस में कट कर लेंगे इस तरीके से, जैसे शक्कर परे बनाते हैं ना, उसी टाइप से। देखिए, मैंने ट्राई कलर बर्फी के शक्कर पारे बना ले हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्राई कलर बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। इस साल 15 अगस्त के लिए मैंने तीन अलग अलग टाइप के तरीक़ों में आपको बताया है बनाने का। अब जो चाहे स्टाइल में बना सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और उसी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।